हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1st to 4th किए थे। ठीक है, आज थोड़े बड़े एग्जांपल हैं तो मैंने थोड़ा पेंडिंग रखा था उनको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि इसको सबसे पहले ठीक तरीके से लिख लो। सो ये कैसे दिखेंगे, x-1 x-2 dy/dx माइनस 4x-3 y इज इक्वल टू x-2 होल क्यूब। ओके, नाउ इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, माइनस 4x-3 अपॉन x-1 x-2, ठीक है, y इज इक्वल टू x-2 होल क्यूब अपॉन x-1 x-2। ठीक है, अब आप बोलोगे बाप रे ये तो ये क्या हो गया। ठीक है, ये इसकी चिंता मत करो, वो मेरे मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, डोंट वरी। नाउ अब देखो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, -4x-3 अपॉन x-1 x-2। ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे लिखना भूल गया स्टेप 1, एक सेकेंड। ओके, सो स्टेप 1, पी इज इक्वल टू -4x-3 अपॉन x-1 x-2 एंड क्यू आ जाएगा x-2 होल क्यूब अपॉन x-1 x-2। ओके ओके, सो देखो स्टेप 2 में क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्या, ई रेस टू इंटीग्रेशन PDX। ओके, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन, माइनस बाहर रखता हूं मैं, 4x-3 अपॉन x-1 x-2 dx। ओके, अब आप बोलोगे अरे ये कैसे करें। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, नाउ अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ -4x-3 अपॉन x-1 x-2, वही है ना, x-1 x-2 सही है। ठीक है, अब कैसे करें, ये माइनस को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसकी चिंता मिट जाएगी। 3-4x अपॉन x-1 x-2 dx। ओके, अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन नाम की एक कंसेप्ट देखी थी जब हम 12th में थे। सो क्या थी वो, 3-4x इज इक्वल टू ए अपॉन x-1 प्लस बी अपॉन x-2। ठीक है, ये शॉर्टकट है, मैं एकदम थेरोटिकली नहीं जा रहा हूँ। ओके, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इट विल बिकम 3-4x इज इक्वल टू ए इंटू x-2 प्लस बी इंटू x-1। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको वो मेथड आती है, नहीं आती तो सीख लो, 12th के टेक्सट बुक अभी भी है। अब यहाँ पे अगर मैं पुट x इज इक्वल टू 2 कर दूं, सो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फिर, ये 3-4x2 इज इक्वल टू ए इंटू 2-2 प्लस बी इंटू 2-1। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, अब सेम पैटर्न में पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेम जब आप सॉल्व करोगे सो आपको a की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, बस x यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ये जो स्टार इक्वेशन है इसके अंदर, इन स्टार बता देता हूँ तो जिसको नहीं आ रहा वो समझ जाएगा। सो इसके अंदर आप जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो बस आपको यहाँ पे पुट करना है, सो 3-4x अपॉन x-1 x-2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन x-1, बी की वैल्यू क्या आई, -5, सो -5 अपॉन x-2, काम खत्म। ठीक है, सो बस आप इसको इसकी जगह पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, चलो सो ये 3-4x मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही डायरेक्ट पुट करूंगा वहां पे, अभी इसकी जरूरत नहीं। नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड,
सो इट विल बिकम, ये इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 5 अपॉन एक्स माइनस 2 डीएक्स। सो आई इज इक्वल टू, इसको मैं आई करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2, आंसर 5 लॉग एक्स माइनस 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 और ये 5 उसके सर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। सो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल रेज टू 5 पूरा, ठीक है। मतलब अपना जो इंटीग्रेशन था ये वाला, इसका आंसर क्या आया है, मैं उसको आगे के स्टेप पे लिखता हूँ। सो वो था अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, लेकिन पी की वैल्यू आई थी अपनी इंटीग्रेशन माइनस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल है, ओके, यू डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला, इसका सोल्यूशन निकाला ई रेज टू इंटीग्रेशन लॉग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल रेज टू 5, ठीक है। इसका आंसर ही आया डायरेक्ट ये, तो लॉग और e कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना बनेगा x माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल रेज टू 5, राइट। चलो सो स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप थ्री अपनी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल रेज टू 5 इज इक्वल टू q क्या था अपना, कहा गया q, लेट्स चेक, क्यू था x माइनस 2 होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। क्या खतरनाक है यार, किस तरह से लूट मारा, ओके कहाँ गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, ठीक है, इनटू यही था ना, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल रेज टू 5 डी एक्स प्लस सी, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, क्या कट हो जाएगा, सबसे पहले मैं इसको ठीक तरीके से लिख देता हूँ, ये तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 क्यू अपॉन ये एक्स माइनस 1 गेट कैंसल, इट विल बिकम एक्स माइनस 2 होल रेज टू 6 डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक आ गए। सो ये 3 और ये 6 का थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा प्लस सी, सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन x कैसे रहेगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप सबको पता है, आपको निकालना ही पड़ेगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको इस तरह से ऊपर लेके जाओ, सो इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल रेज टू माइनस 3 डी एक्स प्लस सी। सो इसका आंसर क्या आएगा, x रेज टू माइनस 2 रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, प्लस सी। तो ये टोटल नीचे आ जाएगा, सो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस सी। सो इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, काम खत्म। सो ये थोड़ा थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन है गाइस, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, चलो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना ना। वाई डैश प्लस साइन टू एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके। सो इसको ठीक तरीके से लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन टू एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टेप 1 साइन टू एक्स, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
थ्री क्या थी? ओ स्टेप टू क्या थी? स्टेप टू थी अपनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है? सो ई रेस टू इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स, ओके? चलो निकालो। सो क्या आएगा इसका आंसर? ई रेस टू साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स और टू एक्स डिवाइड हो जाता है, ठीक है? सो ये था अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके? नाउ अब आगे स्टेप थ्री, थोड़ा सा अलग ही आया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक्चुअली वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ठीक है? सो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अपना ई रेस टू माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है अपना? ई रेस टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू माइनस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स प्लस सी। अब क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो बेस सेम है तो ऊपर वालों की एडिशन हो जाएगी बस। हाँ इसको एज इट इज लिखना अपना आखिरी में, इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स अपॉन टू डी एक्स प्लस सी। अब मुझे बताओ कॉस टू एक्स क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स ई रेस टू डी एक्स प्लस सी। हाँ अपॉन टू, ये टू में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक के साथ लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये जरा अच्छा दिख रहा है, तो ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट थोड़ा बहुत। सो इंटीग्रेशन ई रेस टू, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी। एक सेकेंड है गाइस, ठीक है? अब यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, सो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई रेस टू माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वन अपॉन टू डी एक्स प्लस सी। सो ये तो अब हो गया, सो आंसर आएगा अपना वाई ई रेस टू माइनस कॉस टू एक्स। ई का इंटीग्रेशन लेके रखो तो क्या आएगा? ई का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वन बाई टू एज इट इज, और ये वन बाई टू नीचे दैट इज माइनस टू, ठीक है? या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, रूट रूट के इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है? रुको मैं रूट के अंदर ही डाल के दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ई डी एक्स प्लस सी। सो ई का इंटीग्रेशन तो ई ही आता है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? सो फाइनल आंसर वाई ई रेस माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इट विल वन अपॉन रूट ई तो कॉन्स्टेंट है, सो इट विल बिकम एक्स अपॉन रूट ई, क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा ना वन अपॉन रूट ई बाहर आ जाएगा तो वन डी एक्स, तो वन का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स प्लस सी। सो दिस इज फाइनल आंसर। हाँ अगर आपको वाई के लैंग्वेज में पूछा है तो वाई इक्वल टू इसको डिवाइड कर दो, काम खत्म, ठीक है? तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आज के सेशन का लास्ट है, ठीक है? तो ये तो काफी इजी है। सो देखो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलो काम खत्म। स्टेप वन आएगी पी इज इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स, क्यू इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टेप टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है? सो ई रेस टू इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है थ्री अपॉन एक्स डी एक्स, ओके? सो इट विल बिकम, ये हो जाएगा ई रेस टू थ्री लॉग एक्स, ठीक है? सो ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग एक्स क्यूब, सो लॉग और ये कैंसल, सो आंसर इज एक्स क्यूब।
दैट्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स क्यूब, और एग्जाम में एक्स क्यूब ये जो आता है उसको ब्रैकेट करनी होती है। सो स्टेप थ्री, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था एक्स, आ गया हूँ एक्स क्यूब, तो q आया था अपना e raise to x upon x square into x cube dx plus c, ठीक है। सो ये तो काफी आसान है, ये क्यूब और ये स्क्वायर कैंसिल, so y into x cube is equal to x into e raise to x dx plus c। so देखो u into v rule लगाओ, क्या होता है वो, x as it is integration of e raise to x minus integration x का derivative 1 integration e raise to x dx, ठीक है। तो e raise to x हो जाएगा plus c, so y x cube x e raise to x का integration e raise to x plus c, so यहाँ से e raise to x common निकाल लो। So, अच्छा दिखेगा e raise to x x minus 1, ठीक है। देखो u into v rule लगाया है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट देखो मैंने पहले भी कहा है इंटीग्रेशन सीख लो, अच्छा रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो इफ यू हैव एनी